हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए वीडियो के बारे में, एक नए टॉपिक के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर कर उसको दबा करके साइड वाले बेल वाले आइकन को प्रेस कर कर उसको दबा कर मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। क्योंकि आजकल के जो समाज है हमारा, हर व्यक्ति को अच्छे व्यक्ति से फ्रेंडशिप, हर व्यक्ति आजकल के टाइम में मतलब अच्छे व्यक्तियों से, नॉलेज वाले व्यक्तियों से फ्रेंडशिप करना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है, उनके संग कॉन्टेक्ट बनाना चाहता है, मतलब ताकि वो उस व्यक्ति से कुछ अच्छा सीख सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक को लेकर, उसका नाम है डोनेट ओल्ड क्लोथ एंड शूज। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास पुराने कपड़े होते हैं या ब्लैंकेट्स होते हैं, चादरें होती हैं या जूते वगैरह होते हैं, उनको हमें उन लोगों को दान कर देना चाहिए जो मतलब जिनको दान करना चाहिए, उसी चीज़ को लेकर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा दोस्तों आज का ये नया वीडियो। दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि चाहे वो कोई सा भी, मतलब अगर हम लो फैमिली को छोड़ दें, मतलब क्योंकि वो ऑलरेडी ज़्यादा कपड़े वगैरह नहीं खरीदते, मतलब कुछ ही कपड़ों में अपना गुजारा कर देते हैं, लेकिन जो खासतौर पर जो मीडियम क्लास की फैमिलीज होती हैं, रिच फैमिलीज होती हैं, मतलब वो मतलब उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो कपड़ों को मतलब कुछ महीने पहनते हैं फिर छोड़ देते हैं, मतलब या फेंक देते हैं या थ्रो कर देते हैं, मतलब इस तरीके से रिच फैमिली से भी होता है। तो करना मतलब फिर है क्या, मतलब एक्चुअली में मतलब तो हम जब कपड़े हमारे, हम जैसे कि हम कोई भी कपड़ा लेते हैं, थोड़ा सा फट गया या कहीं से कुछ हो गया, मतलब बटन टूट गया, तो हम जो मैंने बताया कि जो 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 मतलब मैं मिडिल क्लास या रिच फैमिली से बंदे होते हैं, तो वो लेते हैं और कपड़ा, एक बार कपड़ा खराब हो गया इसको फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं। तो दूसरे हम क्या देखते हैं कि हमारे, चाहे हम किसी भी स्टेट को ले लें, किसी सिटी को ले लें, किसी भी जगह को ले लें, रात के समय जब हम गाड़ी से जा रहे होते हैं मतलब या ऑफिस आ रहे होते हैं, तो हम कई जगह पर देखते हैं कि जो फुटपाथ वगैरह होते हैं, मतलब वहाँ पर जो लोग होते हैं, मतलब जो पुअर लोग होते हैं, मतलब गरीब बंदे जो होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं, वो वहाँ पर उनके पास जो कपड़े होते हैं पुराने होते हैं, मिट्टी लगे हुए होते हैं, धूल मिट्टी लगा हुआ होता है, जूते तक नहीं होते हैं उनके पास, और सोते हैं भी तो उन पर चादरें वगैरह नहीं होते, मतलब बहुत ही दयनीय और बुरी कंडीशन में वो होते हैं और अपने जीवन जो होता है, अपने लाइफ जी रहे होते हैं, क्योंकि उतने पढ़े लिखे नहीं होते या उनका जो बैकग्राउंड होता है उतना वैसा नहीं होता है, मतलब वह जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उनको कुछ काम नहीं मिलेगा ही नहीं, मतलब तो वो क्या करते हैं, मतलब गरीब होने के कारण वो दिन भर इधर उधर भीख मांगते हैं और रेड लाइट पर खड़े होकर रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको कुछ पैसे दे दें, और शाम के टाइम वो फिर फुटपाथ पर सो जाते हैं और पैसे उनको इतना नहीं मिलते जिससे कि वो कुछ अच्छा चीज़ खरीद सके, मतलब तो मतलब टोटली जो होते हैं वो हमारे जो समाज पर ही निर्भर होते हैं, मतलब जो डेली सुबह काम करने वाले लोग जो होते हैं, मतलब तो हमें करना क्या चाहिए कि हम जब हमें इस तरह का कंडीशन दिख रहा है कि जो फुटपाथ पर लोग सो रहे होते हैं, मतलब उनके पास कपड़े नहीं है और कपड़े हैं भी तो पुराने हैं, फटे हैं, धूल मिट्टी लगे हुए, जूते मतलब जूते तक उनके पास, चप्पल तक नहीं है, मतलब या उनके पास चादर वगैरह भी नहीं है, मतलब तो ये तो रहा उनकी कंडीशन के बारे में। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो रिच फैमिलीज या मिडिल क्लास फैमिलीज में जो लोग होते हैं उनके पास, क्योंकि वो किसी भी कपड़े को, चादर को या जूतों को ज़्यादा लंबे समय तक उपयोग नहीं करते हैं, कुछ समय एक दो दो 3 महीने पहना फिर उसको थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो आप समाज के लोगों के लिए एक अच्छा काम कर सकते हैं, मतलब कि मतलब, और ये जो वीडियो मैंने जरूरी मतलब सभी के लिए बनाया है, चाहे वो रिच फैमिली से, मिडिल क्लास है या लो फैमिली से, मतलब अगर लो क्लास फैमिली के पास भी मतलब अगर कोई ऐसा कपड़ा है मतलब जो खराब है या उसको वो पहनते नहीं है, मतलब या फिर और या कहीं फेंक रहे हो, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे आप किसी भी मतलब फैमिली से बिलोंग करते हो, रिच हो, मिडिल क्लास हो, लो हो, मतलब अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं मतलब जो आप फेंक देते हो कुछ समय यूज़ करने के बाद, या आपके पास जूते हैं मतलब जो थोड़े बहुत ख़राब हो गए लेकिन आप उसको भी फेंक देते हो, कि आप खुद मतलब क्योंकि आप अच्छे मतलब नई चीज़ों को पहनना पसंद करते हो, मतलब और या आपके पास जैसे चादर वगैरह वहाँ फट जाते हैं, आप फिर क्योंकि आपके बेड वगैरह पे मतलब जब चादर पड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम बाद वो ख़राब भी हो जाएगा धुलने में। तो कहने मतलब ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं मतलब जो आप जिसको आप लंबे समय तक यूज़ नहीं करते और आप कुछ समय बाद उनको चेंज कर देते हो। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ऐसी चीज़ें निकलती हैं, चाहे वो पुराने कपड़े निकलते हों, चाहे वो पैंट हो, चाहे शर्ट हो, चाहे पुरानी जीन्स हो मतलब, या पैंट्स वगैरह हो,
और चाहे वो पुरानी ब्लैंकेट वगैरह चादरें वगैरह हो या जूते ही वगैरह क्यों ना हो, तो आपको इन चीजों को मतलब इकट्ठा करके मतलब आप एक तो जो गरीब बंदे फुटपाथ पर रहते हैं, मतलब जिनके पास संसाधन नहीं है, घर नहीं है, छत नहीं है, मतलब दिन भर वो भीख मांगते हैं या लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं रेल लाइन पर कि वो उनको कुछ पैसे दे, आपको ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, मतलब उन कपड़ों को लेकर उन बंदों को दे देना चाहिए, ताकि वो जो पुराने कंडीशन में फटे छिटे कपड़े पहन रहे, गंदे मिट्टी वाले कपड़े पहन रहे, वो कपड़ा उनके कुछ काम आ सके, वो नंगे पैर इधर उधर चलते हैं, मतलब कई बार उन्होंने देखा कि क्योंकि वो उनका प्रॉपर घर नहीं होता है, तो जहाँ पे जैसे मंदिर वगैरह के आगे पानी पीने का एक वो लगा होता है प्याऊ जिसे बोलते हैं, तो वहां से वो पानी भर कर लाते हैं छोटे छोटे बर्तनों के अंदर, और जब भर भर कर पानी लेकर आ रहे होते हैं तो उनके पैरों में चप्पल तक नहीं होता है। तो जैसे आपके पास पुराने मैंने जूते बताया, पुराने चप्पल बताया, और जहाँ पर वो अपना खाना वगैरह बना रहे होते हैं जिस छोटे से टेंट वगैरह में डालकर फुटपाथ के किनारे या बिना उसके भी, तो वो कोई प्लास्टिक का होता है या मिट्टी ऐसे ही धूल मिट्टी है, मतलब सब कुछ काम कर रहे होते हैं, रात के टाइम पर ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अगर पुरानी चादरें वगैरह हो तो ऐसे लोगों को, उन लोगों को डोनेट कर देना चाहिए फेंकने की बजाय, क्योंकि अगर आपको फेंक दोगे तो कहीं ना कहीं वो खराब हो जाएगा, या मतलब वो कपड़ा फिर खराब ही है, किसी के उपयोग के लिए है ही नहीं, लेकिन ऐसे अगर क्योंकि आपने उसको कुछ टाइम यूज किया, तो हो सकता है कि जो लोग इससे बुरी कंडीशन में मतलब जो पुराने कपड़े पहन रहे, मतलब वो कपड़ा उनके लिए काफी यूजफुल होगा, काफी लाभदायक होगा, वो उनको वो उन कपड़ों को हो सकता है अगर पहनने लायक है, मतलब तो वो उन कपड़ों को पहन सकते हैं, और चप्पल वगैरह तो वो पहन ही सकते हैं, मतलब और ब्लैंकेट वगैरह को बिछाने का भी काम आ सकता है, उनको ओढ़ने के काम आ सकता है, मतलब और हो सकता है कि उन कपड़ों को सिलकर वो अपना कुछ बना दे, मतलब तो इस तरीके से मतलब तो कहने वाले आपके पास ऐसी चीजें निकलती हैं, चाहे वो पुराने कपड़े कपड़े निकलते हो, चाहे वो पुरानी चादरें ब्लैंकेट वगैरह निकलते हो, चाहे पुराने जूते जूते चप्पल ही क्यों ना निकलते हो, और इसके अलावा कोई दूसरी चीज भी निकलते हैं मतलब घर के अंदर, इसको आप अगर आपको लगता है कि इसको थ्रो करने बोला है, ये थ्रो करने की बजाय मतलब ये किसी के उपयोग में आ सकता है, ये किसी के यूज में आ सकता है, मतलब तो आपको उन सभी चीजों का मतलब जो डोनेट मतलब उनको ऐसे डोनेट वे में देखना है, क्या हम इस चीज को दान सकते हैं, दान कर सकते हैं फेंकने की बजाय, तो आप उन चीजों को कहीं इकट्ठा करके मतलब आप फुटपाथ पर जो लोग रहते हैं उनको आप डोनेट कर सकते हो, उनको दान कर सकते हो, ताकि अगर वो इस चीज का उपयोग कर सके तो अपने जीवन जीने के लिए उन चीजों का उपयोग कर लें। और मान लो अगर आपको इन चीजों का ऐसा कोई जगह नहीं दिखता है, मतलब क्यों हो सकता है कि ऐसे ऐसे जो मतलब फुटपाथ पर कहीं कहीं देखने को मिले, लेकिन अगर मान लो ऐसा नहीं दिखता है फिर भी आप निराश ना हो, मतलब अगर आपको फिर भी करना क्या है, मतलब आप क्योंकि आपके पास तो कपड़े पुराने निकल ही रहे, चादरें निकल रहे, जूते चप्पलें निकल ही रहे, तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो गांव मतलब ग्रामीण इलाके में मतलब वृद्ध आश्रम होते हैं, मतलब आप गूगल पे रिसर्च करोगे तो आपको वृद्ध आश्रम दिखाई देगा, बच्चों से अनाथालय जैसे बोलते हैं, मतलब तो जो जहाँ पे जो अनाथ बच्चे होते हैं वो रहते हैं, मतलब तो आपको ऐसी चीजों को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि आप अमीर और अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, मतलब रिच फैमिली, तो आपको उन चीजों को अपने गाड़ी के डिक्की में रखकर एक दिन डिसाइड करके 1 या 2 महीने में जब वो चीजें इकट्ठी हो जाती है डोनेट करने वाली, वहां पर जाकर वृद्ध आश्रम के अंदर या अनाथालय में जाकर वहां पर उन लोगों को डोनेट कर देना चाहिए, ताकि वह जो सामान है मतलब वहां पर अगर वो उपयोग कर सकते हैं तो वो उस आश्रम वाले उन चीजों का उपयोग करके वहां पर जो लोग रहते हैं आश्रम के अंदर वृद्ध आश्रम के अंदर उनको वो कपड़े डोनेट कर सके, वो उनके उपयोग करने काम आ जाए, अनाथालय में आप उसको डोनेट कर दीजिए, ताकि वहाँ पे भी काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कोई माता पिता नहीं होते, पेरेंट्स नहीं होते, तो वो लोगों की डोनेशन पर ही आश्रित होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो डोनेशन देते हैं जिसके कारण ही उनका मतलब जो अनाथालय चलता है, मतलब वो खाना मिलता है, उनको भोजन मिलता है, उनको रहने सहने का चीज मिलती है, तो हम भी उनकी इस तरह के हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आप सभी को आज इस वीडियो के थ्रू यही बताने की कोशिश किया कि अगर आपके पास अगर आप रिच फैमिली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं करते पुराना होने के बाद, आप उन चीज़ों का लिस्ट बनाइए, उनको इकट्ठा कीजिए, और 2 से 3 महीने के बाद अगर आपके आस पास फुटपाथ पर कोई गरीब लोग रहते हैं उनको डोनेट कर दीजिए, नहीं तो आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको कई सारे अनाथालय ऑर्फेंस और वृद्धाश्रम आपको दिखेगा, ओल्ड एज पीपल्स होम, उसको उसमें उसकी आप मतलब उसको कॉन्टेक्ट कीजिए, और वहाँ पर नहीं तो जाकर आपको डोनेट कर दीजिए, इससे आप उन सभी लोगों की हेल्प कर पाएंगे जिनके पास कपड़े नहीं है या जो बहुत ही बुरी कंडीशन में बुरे हालात में रह रहे होते हैं। दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो जिसके थ्रू मैंने आप सभी को बताने की कोशिश किया कि कैसे हम उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं जो फुटपाथ पर रहते हैं या अनाथालय में रहते हैं या वृद्धाश्रम में रहते हैं, अपने पुराने कपड़ों जूतों चप्पलों और
ब्लैंकेट्स के थ्रू डोनेट करते वक्त कहते हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का नया वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स।